उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे। वहां उनके हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की अनुमति नहीं दी गई, जिसके पश्चात उनके हेलीकॉप्टर को झारखंड के बोकारो में लैंड कराया गया। फिर वे सड़क मार्ग से होते हुए पुरुलिया पहुंचे। फिर देखते हैं दोस्तों वहां पर हम सबको समझना होगा, पीएमसी को नैतिकता के आधार पर आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुश्री ममता बनर्जी और पीएमसी को नैतिकता के आधार पर स्वयं सत्ता में पड़े रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और मैं सबसे आह्वान करूंगा, बंगाल की जनता से अनुरोध करूंगा, आप सब इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से आगे आकर के लड़ रहे हैं, मैं जानता हूँ पंचायत चुनाव के दौरान यहाँ पर जिस प्रकार की हिंसा हुई थी, जिस प्रकार से 100 से ज्यादा निर्दोष कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, इसका मुकाबला करना पड़ेगा। याद रखना, ये राजनीतिक आजादी बंगाल को फिर से लेनी पड़ेगी। बंगाल देश की स्वाधीनता का प्रतीक बना था और बंगाल को पुनः इस कुशासन के खिलाफ लड़ना पड़ेगा और इस कुशासन के खिलाफ अपना नैतिक समर्थन देने के लिए आपके पास आया हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के कई कार्यक्रम यहां लगे, उनके कार्यक्रमों में भी व्यवधान डालने का प्रयास किया गया, लेकिन आपने बिना झुके बिना टिके टीएमसी के गुंडों से निपटते हुए कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ किया है, आज भी मेरे हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी। मैंने हेलीकॉप्टर पुरुलिया के ऊपर खूब उड़ाया, लेकिन कहीं अनुमति नहीं मिली। फिर मैं बाई रोड ही आया, मैंने कहा मैं आपके पास आऊंगा और आपके बीच में आया हूँ, आपका अभिनंदन करने के लिए आया हूँ, आप सबका स्वागत करने के लिए आया हूँ और आपका आह्वान करने के लिए आया हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। हमारे पास मोदी जी के नेतृत्व में एक वैश्विक मानचित्र पर भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने वाला एक यशस्वी नेतृत्व हमारे पास है। हम मोदी जी और कमल निशान पर विश्वास करके भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ाने के लिए एक बार पुनः बंगाल को पीएमसी के गुंडागर्दी से, अराजकता से, भ्रष्ट शासन से मुक्ति दिलाने के संग्राम के लिए हम सब मिलकर के संग्राम के लिए आगे बढ़े, यही आह्वान आप सबका करते हुए मैं आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ। बंगाल की धरती को गोल्ड को नमन करता हूँ।